आप देखें सुपरफास्ट फ्यूचर्स 50 दिन की औसत के नीचे कामकाज कर रहे हैं, 8600 के लेवल के नीचे इस समय बाजार है। लेकिन चंदन कौन से ऑप्शन ट्रेड है जहां पर अभी फोकस करना चाहिए, कौन से स्टॉक में पुट खरीदें आज? जी रजत, देखिए अडानी पोर्ट से काउंटर है जिसने काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद में अब ब्रेकडाउन देने के संकेत दे रहे हैं। इस काउंटर में शॉर्ट्स पोजीशन बन रहे हैं और पिछले लगभग 10-12 वीक में लगातार एक सस्टेन सेलिंग प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि ये काउंटर नीचे में 243 तक का लेवल छू सकता है, तो यहाँ पे 250 की पुट खरीदने की सलाह रहेगी। 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और मेरा मानना है कि पुट 10 रुपए तक जा सकती है। चलिए, तो ये वायदा बाजार की बात, और आपको अदानी पोर्ट की पुट खरीदने की सलाह दी गई है। आंध्र आरटी सिक्योरिटीज मानता है कि 250 की पुट खरीदने तगड़ी कमाई हो सकती है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर करेगा, अदानी पोर्ट गिर सकता है यहाँ से। लेकिन कौन सा ऐसा एक स्टॉक है जहाँ पर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो देखते हैं नतीजों से उम्मीद में। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, बताएं नतीजों से उम्मीद, यानी कि एक ऐसा स्टॉक जो नतीजों से पहले से ट्रेडर्स के रडार पर है, रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है। शुक्रिया रजत, जो कंपनी चुनी गई है वो है हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी HIL लिमिटेड। कंपनी एस्बेस्टस शीट बनाने के कामकाज के अंदर है और इस तिमाही के नंबर्स जो है 17 अक्टूबर को आने वाले हैं। Q2 में कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें कंपनी घाटे से मुनाफे के अंदर इस तिमाही के अंदर लौट सकती है, और अगर आप इसके ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी देखें तो वो भी पिछले साल के कंपेरिजन में करीब करीब घाटे से मुनाफा वहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अहम चीज़ यही, कंपनी की जो आय है वहाँ पर भी करीब 50 से 60% तक की बढ़त का एक अनुमान अलग अलग ब्रोकर तरफ से लगाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कंपनी ने लगातार में पिछले 3 तिमाही से जो इनपुट इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको ईज आउट किया है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट भी ईज आउट हो रही है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी ईज आउट हो रही है, तो उसका इंपैक्ट कंपनी की बॉटम लाइन के ऊपर आता दिखाई पड़ेगा, और इसीलिए कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उनमें 7 से 8% तक का एक इजाफे की उम्मीद इस तिमाही के अंदर लगाया जा रहा है। अदरवाइज भी अगर बात करें तो शेयर बुक वैल्यू के बेहद करीब ही कामकाज कर रहा है, और जिस तरह के नंबर्स कंपनी दे रही है ऐसा भी ग्रोथ प्रोजेक्शन कंपनी के साथ कामकाज कर रही है, रादर डिविडेंड स्ट्रॉन्ग डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी के अंदर, और इसी आधार को मानते हुए कई सारे ब्रोकर से कंसेंसस देखा गया है और जो एवरेज टारगेट उनकी तरफ से आ रहा है करीब 700 रुपये के आसपास आ रहा है, तो एक अच्छे नंबर्स के आधार पर ब्रोकर्स का टारगेट करीब 700 रुपये के आसपास का। चलिए, बुक वैल्यू के करीब कामकाज कर रहे और 7 से 8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है HIL लिमिटेड की, 50% आय बढ़ने की उम्मीद है और लगातार ब्याज लागत में कमी होती देखी है इस पर्टिकुलर कंपनी की। नतीजे स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, मार्केट पे एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। HIL पे आप फोकस कर सकते हैं, फिलहाल 2.5% के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन एक और स्टॉक देखते हैं, वो है भारत फोर्ज। आज क्या प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि ये सीएलएस के रडार पर है, आपको बता दूं 1200 का टारगेट तो उन्होंने रखा है और टारगेट को कहीं ना कहीं रिवाइज किया था सीएलएस ने टारगेट। आज 912 के लेवल पे है। कल्याणी ग्रुप डिफेंस सेक्टर पे अपना ज्यादा फोकस बढ़ा रही है। इस साल कंपनी की डिफेंस में $40 मिलियन खर्च करने की योजना है, साथ ही कंपनी $5 बिलियन की बोलियां भी लगा रही है। अमित कल्याणी से एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस ने, आइए वो सुनवाते हैं आपको। कौन कौन से एरिया में, स्पेशली इन डिफेंस, कौन कौन से एरिया में टैप कर रहा है? और देखिए, हमारा जो इंटरेस्ट है डिफेंस में वो 3 एरियाज में है। एक है लैंड सिस्टम्स, यानी कि आर्टिलरी, विच मीन्स टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, गन सिस्टम्स एंड लैंड डिफेंस सिस्टम्स। दूसरा है कि हम नेवल सिस्टम्स, एरोस्पेस सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स में हम कंपोनेंट सप्लायर्स हैं। और तीसरी चीज़ है कि जहाँ पर स्पेयर्स रिक्वायरमेंट हो, कंज्यूमेबल्स रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि ये टैंक व्हील्स हैं, एम्टीज हैं, ऐसी चीज़ों में हम कंज्यूमेबल सप्लाई करेंगे। तो ये तीनों एरियाज़ में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, कितने ऑर्डर अभी तक इस साल के अंदर डिफेंस के में आपको भारत फौज को मिले हैं, और कितने में आप आने वाले समय में बिडिंग? देखिए, हम एज अ ग्रुप, नॉट जस्ट भारत फौज, एज अ ग्रुप कल्याणी ग्रुप इज पार्टिसिपेटिंग इन टेंडर्स और इन RFQs विच आर वर्थ मोर देन $5 बिलियन। सो देखा जाए तो काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम हिस्सा ले रहे हैं, हमारे अपने ही बल पे या पार्टनर के साथ। तो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी बड़े प्रोग्राम्स हैं, लंबे किस्से से चले आ रहे प्रोग्राम्स हैं, और उनका नतीजा शायद अगले 6 महीने से 1-1.5 साल में पता चल जाएगा। सर, क्या एक्सपेंशन प्लान कंपनी का क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट इस साल में किया जाएगा कंपनी के? देखिए, हमें हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने काफ़ी नए सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां हम कंटेंट पर व्हीकल सब्सटेंशियली बढ़ाना चाहते हैं,
प्रिसिजन कंपोनेंट्स, मशीन कंपोनेंट्स, हाई वैल्यू कंपोनेंट्स में, और उसके लिए हम करीबन $40 मिलियन इस साल खर्च करेंगे। लेकिन हमारे ट्रेडिशनल फोर्जिंग मशीनिंग सेक्टर्स में बहुत कैपेसिटी है, वी आर रनिंग एट अबाउट 60-65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो हमें उसमें कोई लार्ज कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सर, इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या हम कंपनी में देख सकते हैं, क्या कोई एक्विजिशन इस समय ऑन द पाइप इन द पाइपलाइन हो? वी आर लुकिंग एट एक्विजिशंस, वी हैव चॉक्ड आउट अ 2020 एंड अ 2025 स्ट्रेटजी वेयर वी हैव आइडेंटिफाइड कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट वी नीड टू ईदर क्रिएट और अक्वायर, और एक्विजिशन मे बी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ हाथ में नहीं है। चलिए, तो कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर पे पकड़ और मजबूत करने की योजना, 910 के लेवल पे भारत फोर्ज जो कामकाज कर रहे हैं, लगभग 3% के आसपास की गिरावट आज गिरते बाजार पे स्टॉक पे देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट्स खुद अब स्लाइड कर रहे हैं और दिन के निचले स्तर पे 8580-8555 ये बता दो सितंबर महीने का लो है, उसको कभी भी रीटेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक भी 19,000 के लेवल के अभी इंट्राडे बेसिस पे नीचे जा चुका है और इसमें अब स्ट्रॉन्ग बिकवाली देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 दिन के औसत एवरेज के नीचे, निफ्टी बैंक 50 दिन के औसत एवरेज के नीचे, बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली इसमें इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल रही है, 1.5% के आसपास की गिरावट। चंदन, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पे अप्रोच बताने के लिए, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए, शुक्रिया।